हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है या नहीं। यहाँ पे आपको यस या नो में जवाब देना होता है। तो जो मोस्टली मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी लोग लोन लेना चाहते हैं उनका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर होगा ही, तो यस पे क्लिक कर देना है आप लोगों। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, या इसके अलावा जो आपको जो खाता जो आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है तो वहाँ पे आपको एक CRN नंबर मिलता है, वो भी डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। इस चीज से जो है पूरी पूरी ऑथेंटिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन जैसे ही चीज कंप्लीट हो जाएगी देन इसके बाद जो है कंप्लीटली आप आगे बढ़ोगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का सेक्शन हो सकता है, एंड इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि मैं बताया था पैन कार्ड वगैरह और कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेगमेंट होगा। इसी के हिसाब से आपकी हिस्ट्री वगैरह चेकआउट की जाएगी एंड आपको लोन के ऑफर्स मिलेंगे, एंड देन अगर आपको लोन के ऑफर्स पसंद आते हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर समरी दी जाएगी कि कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, क्या प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे हैं, कितना आपके हाथ में पैसा आएगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, टोटल आपको पैसा कितना देना होगा, कितने समय पे देना होगा, और यही सारी चीजें होंगी। और लास्ट में अगर आप लोग कंप्लीटली KYC वगैरह कंप्लीट कर ले तो सारी चीजें कंप्लीटेड, लोन अप्रूवल। तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल, और आज की वीडियो में आप जानने वाले हो कि अगर आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है और कोटक महिंद्रा बैंक से आप चाहते हो कि आपको पर्सनल लोन मिले तो आपको कैसे मिल सकता है, इसके बारे में पूरी ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, जहां पे आपको मिलेगा ये जानने को मिलेगा कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है। अब मोटा मोटी तौर पर अगर आप बात करें अमाउंट की तो देखो 40 लाख रुपए तक का आपको लोन इजिली मिल जाएगा यहाँ से, और मेरे हिसाब से ज्यादा का भी लोन मिल जाएगा। और अगर इंस्टेंट ऑनलाइन की बात करें तो भी आपको लैक्स में लोन देखने को मिल जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, और जो बाकी जो एक सही मेथड चलता है जो कि प्रॉपर प्रोसेस वाइज होता है अगर उसको पूरा कंप्लीट करते तो क्या हमें 40 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो लोन लेने की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर हम जो है इस लोन को लेने के लिए योग्य है या नहीं है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं आशा करूंगा इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक देखें, समझे, पूरी जानकारी समझने के बाद आपको वीडियो में पता चलेगा कि लोन कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो जानकारी को पूरा अंत तक देखे समझे और पूरी वीडियो को देखने के बाद ही जो है आप लोग लोन का अप्लाई करने का प्रोसेस को फॉलो करें। बाकी वीडियो समझ में आती है सबसे पहले आपको वीडियो के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड वीडियो को आप लोगों को जो है अभी से लाइक शेयर करके कमेंट्स में आपको यस लिख के बताना है कि हाँ आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है और आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। तो आपको बता दूं ये हमारी वीडियो है, वीडियो के जस्ट नीचे ये टाइटल होता है, टाइटल पर जैसे आप टैप करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी यहाँ वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक के अंदर आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा loanpao.in की साइट पे आप लोग पहुंच जाओगे, और मोबाइल फोन में भी ओपन करोगे तो आपके सामने loanpao.in की साइट ओपन होगी। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जैसे कैटेगरी है, जैसे ऐप लोन है, पर्सनल लोन है, बैंक लोन है, अनकैटेगराइज लोन है, और भी बहुत सारे लोन की आपको कैटेगरीज देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको पर्सनल लोन पे चले आना है या फिर आप सीधा सीधा बैंक लोन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि हमें इनमें से किसी कैटेगरी को चूज करने की जरूरत क्या है, देखो कैटेगरी को अनेबल नहीं भी करोगे तब भी आपको कॉन्टेंट मिल जाएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लेंगे, लेकिन मेरा जवाब यह है कि यहां पे अगर आपको अपना समय बचाना है और सीधा सीधा लोन का अप्लाई करने का वही प्रोसेस देखना है, वरना आपको अगर वीडियो में घुमाना हो या वीडियो की लेंथ बढ़ानी हो तो मैं तो किसी भी तरीके से कर सकता हूं। तो यहां पे आपको अपने सिंपली बैंक लोन या पर्सनल लोन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो जो बैंक, जो जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, जो जो एप्लीकेशन आपको पर्सनल लोन देने का काम कर रही है उसको यहां पे आपको बराबर जो है कंटेंट के अंदर आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, नाम वगैरह सब मिल जाएगा। अब बारी आती है लोन को अप्लाई करना कैसे होगा। तो लोन को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल करना है कि आपको सर्च पे जाना है या फिर आप स्क्रॉल करके भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर स्क्रॉल करने पे ना मिले तो कोटक पर्सनल डाल के सिंपली आपको सर्च कर लेना है। इतना कीवर्ड डालेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले और कैसे अप्लाई करें, एक कॉन्टेंट है, इस कॉन्टेंट पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है इस आर्टिकल के अंदर आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम लोन अप्लाई करने के लिए आए तो हम इस कॉन्टेंट पे क्यों आए हैं। तो देखो कोई भी जानकारी आपको अगर लेनी है, जैसे कि मान लो मुझे लोन अप्लाई करना है, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है, कुछ दो तीन चीजों का ही ध्यान रखना होता है कि हम जो लोन ले रहे हैं उसका ब्याज दर कितना है, हम जो लोन ले रहे हैं इसके लिए क्या क्या से कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, हम जो लोन ले रहे हैं ये लोन जो है कब तक हमें चुकाना होगा, ये कुछ चीजें होती हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे प्रोसेसिंग फीस या हिडन चार्जेस या प्री पेमेंट चार्जेस, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में अगर आपको सही से नॉलेज है तो आप लोन को इजिली तरीके से लोगे भी, चुका भी दोगे, फिर कभी जरूरत पड़ी वापस लोन लोगे, लेकिन जब पता नहीं होगा तो जानकारी आपको ना होने पे दिक्कत हो सकती है। बाकी आर्टिकल को जब पूरा पढ़ लोगे तो इन सब की जानकारी मिल जाएगा, और इन जानकारी को हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। बाकी लोन को अप्लाई करने के लिए विजिट का लिंक आपको इसी के अंदर मिलेगा, तो विजिट का लिंक
जैसे ही आप लोग यहाँ पे विजिट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल उनके ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपके सामने वही वेब पेज आ जाएगा जो मैंने आपको इंट्रो में दिखाया था कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन कैसे लेंगे। पूरा आर्टिकल इसके अंदर मतलब सॉरी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। जैसे कि देखो, अगर आप मान लो 40 लाख रुपए तक का पूरा लोन लेते हो, हालांकि इतना मिल जाए वो बहुत कम पॉसिबिलिटी है क्योंकि पूरा पूरा लोन नहीं मिलता, 40 लाख के अंदर वो मिलता है। जैसे 35 लाख, 37 लाख, 38 लाख, बाकी इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा किस हिसाब से। और बाकी आपको जो है टेन्योर के हिसाब से चूज करके यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो है ईएमआई कितना बनेगा। ठीक है, तो हम मेन मेन चीजों के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस लोन को लेने के योग्य कौन कौन है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जो इस लोन को लेना चाहता है, स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक में इनका खाता है, उनके केस में ये चीज मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी बात आती है एलिजिबिलिटी की। और जहां हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, स्टेबल इनकम सोर्सेज होना चाहिए जहां से आप लोगों की कमाई होनी चाहिए हर महीने बेसिस पे। साथ ही में यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजों को फैक्टर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यही दो तीन चीजों है जिसका ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी बंदा जो लोन ले रहा है वो इंडिविजुअल बेसिस पे क्वालिफाइड हो, मतलब कि बेसिकली जब लोन ले रहा है तो यहाँ पे उसके ट्रैक हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, किस तरीके की जो है डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और भी कुछ चीजें हैं, जैसे पर्सनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो किसी भी एमएनसी कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो आप ले सकते हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। एज की जहां तक मैं बात करूँ तो 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में आप लोन ले सकते हो। बाकी मिनिमम मंथली इनकम, अगर आप कोटक बैंक में आपका सैलरी अकाउंट होल्डर है तो आप 25,000 रुपये भी लोन ले सकते हो। अगर आपका कोई कोटक बैंक सैलरी अकाउंट नहीं है तो आपको कम से कम 30,000 रुपए होना आपकी इनकम होनी चाहिए। और मान लो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के ही एक एम्प्लॉय हो तो आपकी कम से कम 20,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें कम से कम पढ़ा लिखे कितने की, तो आप ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट यहाँ पे प्रीरिक्विजिट चलती है मेरे हिसाब से, इतना तो होना चाहिए आई थिंक सो, कि इतने तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो वहां पे एटलीस्ट 1 साल से ज्यादा आपने काम किया हो ताकि ये आपकी पर्सनल एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स, देखो ये तो बैंकिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करता है और मार्केट प्राइस पे, लेकिन यहाँ पे एक बताया जाता है कि 10.99% एनम से आपकी जो है यहाँ पे इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और मार्केट प्राइस के हिसाब से हो सकता है कि अपर भी जाए। बाकी यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज है जो मैंने कहा था कि अप टू 3% तक का लोन अमाउंट है प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस के हिसाब से, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद बारी आएगी फी चार्ज की बात होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वही लोन को लेने के लिए। तो दस्तावेज की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो, अगर आप ऑनलाइन लोन लेते हो तो यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है। देखो सबसे पहले कि अगर आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, यहाँ ये चीज समझो कि अगर आपको सिर्फ 5 लाख तक का लोन चाहिए तो यहाँ पे जो है एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है जो कि इफेक्टिव ऑफर्स के साथ में, यहाँ पे जो है जीरो कोलैटरल होगा जो कि 5 लाख रुपए तक के लोन में आपको देखने को मिलेगा, एंड कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट होगा 11% पर एनम से शुरू हो जाएगा, और कैशबैक एंड डिस्काउंट ऑफर्स भी होगा। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी जो है एप्लीकेशन जो है डिजिटल केवाईसी कंप्लीट करके एंड गेट अप्रूवल हो जाएगा, और ये आपका क्विक पर्सनल लोन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, सैलरी अकाउंट की, और बस ये सारी चीजें। तो ये भी एक ऑनलाइन पर्सनल लोन के हिसाब से मेरे को लगता है कि इसके बारे में रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आपको 40 लाख तक के बीच में लोन चाहिए तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका जहाँ पे रहते हो आप लोग उसके पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, और यही आपकी सैलरी स्लिप वगैरह, और 3 महीने की बेसिकली आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ सकती है, 2 से 3 पासपोर्ट फोटोग्राफ जो कि आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, 6 महीने ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तो कुछ चीजें हैं। अब बैलेंस ट्रांसपेरेंट ओवरड्राफ्ट की अगर बात करनी है तो आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। अब सबसे सिंपल बात कि भाई लोन को अप्लाई करेंगे कैसे, इसके लिए अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, इसी के अंदर आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी। क्लिक करने के साथ ही सीधा लिखे जाएगा आपको इनके ऑनलाइन जो पोर्टल होता है कोटक महिंद्रा बैंक के, तो कोटक के जो है पर्सनल उनके ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जाएगा, एंड यहाँ पहुंचने वाले आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आपके पर्सनल ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 3 स्टेप में आपका जो है लोन का अप्रूवल हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है या नहीं। यहाँ पे आपको यस या नो में जवाब देना होता है, तो जो मोस्टली मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी लोग लोन लेना चाहते हैं उनका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर होगा ही, तो यस पे क्लिक कर देना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ, या इसके अलावा जो आपको जो खाता जो आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है तो वहाँ पे आपको एक CRN नंबर मिलता है वो भी डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। इस चीज से जो है पूरी पूरी ऑथेंटिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एंड देन जैसे ही चीज कंप्लीट हो जाएगी देन इसके बाद जो है कंप्लीटली आप आगे बढ़ोगे एंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का सेक्शन हो सकता है, एंड कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने बताया था पैन कार्ड वगैरह और कुछ और
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सेगमेंट होगा। इसी के हिसाब से आपकी हिस्ट्री वगैरह चेकआउट की जाएगी एंड आपको लोन के ऑफर्स मिलेंगे। एंड देन अगर आपको लोन के ऑफर्स पसंद आते हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर समरी दी जाएगी कि कितने रुपए तक का लोन मिलेगा, क्या प्रोसेसिंग चार्जेस लग रहे हैं, कितना आपके हाथ में पैसा आएगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, टोटल आपको पैसा कितना देना होगा, कितने समय पर देना होगा, और यही सारी चीजें होंगी। और लास्ट में अगर आप लोग कंप्लीटली केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर ले तो सारी चीजें कंप्लीटेड, लोन अप्रूवल होने के साथ ही आपको पैसा आपके बैंक खाते में मिल जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। और एक प्रोसेस था उन लोगों के लिए जिन लोगों को जिनका खाता है लेकिन जिन लोगों को लगता है कि मेरा खाता नहीं बट मुझे तब भी लेना है, तो एक बार आप लोग जो है इस पर भी ट्राई करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरे को लगता है कि एज इट इज आपसे जो है कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। वैसे भी ये अभी मेंटेनेंस पे चल रहा है, तो आपको मैंने जो एक मेथड बता रखा है कि किस तरीके से अगर आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है तो आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन के लिए आपको सिंपली आपके ही डिटेल्स एंड बेसिस पे आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो तो जस्ट एक जो है यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के तौर पे था। मैं उम्मीद करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में आई हो। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।